तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को अपने कैबिन में बंद करने की? हाँ, ऊपर से अपना फोन भी बंद कर दिया। तुम तो बड़े ही जल्लाद किस्म के इंसान निकले, एकदम मर्सीलेस। लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है इसकी तो तमीज ही नहीं है तुम्हें। हाँ, ओह गॉड, प्लीज प्लीज कुछ करो, कोई मुंह बंद कराओ इस लड़की का। और अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता, क्या करते तुम? हाँ, मुस्कान प्लीज। आप बोले, क्या कह रही थी? एग्जैक्टली कबू, बोलने दे मुझे। तुझे सिखाया हुआ है ना कि जब दो बड़े बात कर रहे होते तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। पता है ये ऐसी ही है, इसे लगता है कि हर काम इनमें बिगड़ जाएगा, इसलिए जब देखो अपना नाक बीच में घुसेड़ती रहती है। Shut up, काव्या। तो आप क्या कह रही थी कि? You know what? Now since you've come all this way, तुम अंदर ही आ जाओ। यहाँ आंगन में और खड़े खड़े मुझसे तो बातें नहीं होती है। चलो अंदर आओ। And by the way, और मैं तुम्हें अंदर सिर्फ इसलिए आने दे रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, वरना अगर तुम सिर्फ कबू के बॉस होते तो पता है, दादी हमेशा कहती है कि एक इंसान को इतना भी नकचड़ा नहीं होना चाहिए कि उसे ये पता ना चले कि कौन सी चीज कब कहां उसे वापस जमीन दिखा दे। कबू, इसे तो ढंग से चलना भी नहीं आता। अब चलें।